नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट, धर्मांतरण पर जंग। जी हां, आज विधानसभा में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। दरअसल बजट सत्र के तीसरे दिन आज सरकार हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन बिल लेकर आई, जिस पर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा, सरकार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक कादियान ने बिल की कॉपी भी सदन में फाड़ दी, जिस पर स्पीकर ने उनको बजट सत्र से निलंबित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हाउस से वॉकआउट किया। बिल के पीछे क्या है सरकार का इंटेंशन, कांग्रेस के आरोपों में कितना है दम, क्या सचमुच आधुनिक समाज में हमें इस तरह के कानून की जरूरत है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक पेश किया गया, जहां स्पीकर ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करने को कहा। तभी कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने विधेयक की कॉपी फाड़ते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। धर्मांतरण विधेयक पर चर्चा के दौरान रघुवीर कादियान ने कहा कि सरकार के पास क्या आंकड़े हैं कि देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। इसके साथ ही उन्होंने बिल की मंशा पर भी सवाल उठाए। कादियान की इस हरकत पर सदन में उनसे माफी मांगने को कहा गया, पर कादियान ने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे सत्र के लिए कादियान को निष्कासित कर दिया। देश उसी दिशा में जा रहा है जो विभाजनकारी नीतियों के साथ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, छोटे छोटे राजनीतिक फायदों के लिए किस दिशा में जा रहा है। ये बिल जो है इस तरह की बात स्मेल करता है, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। जिसे लेकर जोरदार नारेबाजी के बीच कांग्रेस ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सरकार ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में जबरन धर्मांतरण विधेयक पारित करवा दिया। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो वहीं धर्मांतरण विधेयक पर विपक्ष के हंगामे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बिल में किसी धर्म का जिक्र नहीं है, गलत तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। इस दौरान सीएम ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस विधायकों की ओर इशारा करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर सामने बैठे लोग इच्छा पूर्वक धर्म परिवर्तन करना चाहें तो इस कानून में कोई आपत्ति नहीं। इसके अंदर इसका जो सेक्शन 3 है उसका 1 में है, मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, पर पीड़न, पर लोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए या तो प्रत्यक्ष या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवाएंगे। कहीं ने लिखा कि अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता तो उसका प्रावधान लिखा हुआ इसमें। तो वहीं धर्मांतरण को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिल में कहीं पर भी हिंदू, मुसलमान या ईसाई का जिक्र नहीं है। एक धर्म से दूसरे धर्म में किसी लालच से, किसी भय से, किसी डर से परिवर्तन करने का जिक्र है, कहीं पर भी नहीं है। आप पढ़ के इसमें एक
शब्द दिखा दो तो फाड़ करके सदन की तोहिन के आप। इस बिल के जरिए हरियाणा में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की कोशिश है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत प्रदान किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत बीजेपी शासित कई राज्यों में अवैध धर्म परिवर्तन के विरुद्ध इस प्रकार का कानून लागू है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। पैनल से मिलवाती हूं और फिर फटाफट डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज बहुत हंगामेदार सत्र रहा है सदन में, बहुत हंगामा बरपा, क्यों बरपा जानेंगे। हमारे साथ बिजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। खालिद चालका जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, आप कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। चालका साहब, क्या रहा ये इतना हंगामा आज सदन में? देखिए अनामिका, बीजेपी की जो सियासत है पूरी तरह से धर्म आधारित सियासत है, और अगर आप उसको गहराई से देखेंगे, देखिए हमने कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में हम बात करते थे मनरेगा की, जिससे एक परिवार का घर चले, पहले पहली हम बात करते थे फूड सिक्योरिटी बिल की, ताकि लोगों को, सुनो तो पहली लाइन को क्लियर कीजिए, आप मनरेगा पर सीधे चले गए, नहीं ऐसे नहीं, धर्म आधारित सियासत है तो कैसे है ये नेहरा जी? मैं जो कहना चाह रहा मैं कहना चाह रहा, बोलिए। हाँ, मैं कहना, वो जो मेरी बात खत्म होने दीजिए, चलिए ठीक। हमने बात की, हमने बात की फूड सिक्योरिटी बिल की, हमने ताकि घर परिवारों को, लोग परिवारों को खाना मिल सके, ठीक है। बीजेपी करती है, बीजेपी पूरे 7-8 साल से 10 साल से गाय के ऊपर राजनीति कर रही है, और गाय के लिए जब हम कानून की मांग करते हैं विधानसभा में, तो आप कहते हैं बड़ी जल्दी आपको याद आया, हम कह रहे हैं आप दीजिए सुरक्षा, गाय को सुरक्षा दीजिए, जब हम सुरक्षा के लिए कानून की मांग करते हैं तो आप इधर उधर घुमाने लगते हैं। ये धर्म आधारित, जो वैसे तो इस देश के अंदर मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है कि आप जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, इस देश के अंदर कानून है, ये ठीक है कि इस तरह का कोई कानून नहीं है, तो ठीक है। लेकिन इसकी इसकी आवश्यकता से पहले हमको जरूरत क्या है, इस हरियाणा को और इस देश को, इससे पहले हमको जरूरत है आप दीजिए ना रोजगार, रोजगार गारंटी लाइए, हर परिवार को नौकरी देंगे, एक परिवार को नौकरी देंगे, इस तरह के कानून में बात नहीं करते, क्योंकि आप पूरे के पूरे देश को धार्मिक मोड में ले जाना चाहते हैं, ताकि आपसे कोई रोजगार पे सवाल ना करे, आपसे कोई अपराध के ऊपर सवाल ना करे, आपसे कोई देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे बात ना करे, आपसे कोई बढ़ती महंगाई पे बात ना करे, तो उन सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से धर्म आधारित राजनीति करती है, जो इस देश के लिए, उस जो इस देश के लिए, जो इस देश की तरक्की के लिए, मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। अगर आज कानून बनेगा, आज कानून बनेगा तो वो धर्मों के लिए, लेकिन उसके पीछे भी मनसा भाजपा की कुछ और है, वो इस देश को मैसेज देना चाहते हैं। अभी देखिए भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे तो वो कहेंगे इस देश को ये नहीं होने देंगे, इस देश को वो नहीं होने देंगे, हम ये कह रहे हैं इस देश को हम देश रहने देंगे, देश बनाएंगे, जिस दो देश, इस देश की ताकत क्या है कि इस देश के अंदर बहुत बहुत संस्कृतियां हैं, एक देश मिलके चलता है, आप इस देश को बांटकर चलाना चाहते हैं, आप बांटकर सत्ता चलाना चाहते हैं, ये कांग्रेस नहीं होने देगी। यही हमारा विरोध है कि आपका उसके पीछे मनसा क्या है, ये मनसा समझ आती है कि आप धर्म आधारित राजनीति करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी आपके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन आप उस कानून को ये दिखाना चाहते हैं, आप देश को, प्रदेश को ये दिखाना चाहते हैं, देखिए हम कितने बड़े सम्राट हैं एक विशेष वर्ग के, और कितने बड़े विरोधी हैं एक विशेष वर्ग के। अरे महाराज, जब आप मेरी बात तो सुनिए सर, जब आप खुद नहीं चाहते कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उस बिल से प्रॉब्लम क्या है सर?
अरे भूलिए सर, बस बस थोड़ा और वक्त देंगे। इस प्रदेश के अंदर एक रोजगार, इस हम ये चाहते हैं, अनामिका सुनिए, हम ये चाहते हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर गारंटी रोजगार योजना आनी चाहिए, गारंटी रोजगार कानून पर बात हो रही है, कहानी बात हो रही है, रोजगार पर सरकार भाग रही है क्या, ये क्या बात कर रहे हैं आप, हर मुद्दे पर बात हो रही है। चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी, ठीक है, रोजगार पर बात भाग रही है, महंगाई बाद में, रोजगार पर अनामिका भाग रही है, सरकार सरकार महंगाई पर जवाब नहीं देती है, सरकार बेरोजगारी पर जवाब नहीं देती है, सरकार भाग रही है। अशोक चौहान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका भी, आपने वॉकआउट किया, बोलिए साहब मैं नेहरा जी से होते हुए आती हूँ, ठीक है नेहरा जी, देखिए अनामिका जी आवाज ठीक से आ रही है, आ रही है प्रभु, बोलिए। देखिए अनामिका जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है, इसको खुद नहीं पता कि क्या करना है, क्या बोलना है। आज जिस तरह से हरियाणा विधानसभा के अंदर इनका रवैया रहा है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा है कि जहाँ सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए थी, वहाँ ये लोग किस तरह से बिल की कॉपी को फाड़ने का काम करते हैं, हंगामा करने का काम करते हैं और चर्चा से भागने का काम करते हैं। और विशेष तौर पर जो गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2020 जिसकी ये चर्चा मेरे मित्र कर रहे थे, उसके शब्द में शुरू में ही अनामिका जी गैर कानूनी जुड़ा हुआ है, यानी जबरन धर्मांतरण। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है अनामिका जी, तो उस पर कोई रोक नहीं है। और मेरे मित्र को मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, इनकी सरकार के शासनकाल में ही मतांतरण की गतिविधियों के अध्ययन के लिए एक कमेटी गठित हुई थी, नियोगी आयोग तथा वेणुगोपाल आयोग ने अवैध धर्मांतरण पर कानून बनाने के लिए कहा था। ये इनके समय की बात है, जब एक बार और दोहरा दीजिए, पुराने समय में इनकी सरकार थी, एक बार और दोहराइए और चाल मैं दोहरा देता हूँ मतांतरण की गतिविधियों के अध्ययन के लिए गठित नियोगी आयोग तथा वेणुगोपाल आयोग ने अवैध मतांतरण पर कानून बनाने के लिए कहा था। अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए, मेरे मित्र तैयारी के साथ आइए। कब की बात है, सुनिए मैडम, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ, कांग्रेस शासनकाल के अंदर। दूसरा मैडम एक और बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पर तो ये लोग विश्वास करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। सरला मुश्किल प्रकरण में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कानून बनाने के विशेष तौर पर निर्देश दिए थे, और लव जिहाद के कारण हिंदू बहन बेटियों का किस तरह से उनका इस्तेमाल होता है, उनकी हत्या तक होती है। मैं फरीदाबाद जिले का रहने वाला हूँ, मेरे बल्लभगढ़ तहसील के अंदर, अग्रवाल मैसेज देना ये, अरे भैया मेरे बल्लभगढ़ के अंदर अनामिका जी, अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं, मेरे बल्लभगढ़ अग्रवाल कॉलेज के बाहर इनके यहाँ के एक साथी थे हमारे, वो मुस्लिम भाई ने हमारी एक हिंदू बेटी के गोली मारकर हत्या कर दी लव जिहाद में नाकाम होने पर, और इसी के कारण अनामिका जी देश के 11 राज्य आज लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून बना चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इससे समस्या क्या है, परेशानी क्या है, इसमें कहीं मुस्लिम शब्द नहीं जुड़ा हुआ, तो मुस्लिम लोग क्यों इसका विरोध करते हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आपकी मंशा गलत है, आपके इरादे गलत हैं, आप लोग गलत करते हैं। हिंदू क्यों विरोध नहीं करते इस चीज का मुझे बताइए। हम जो बिल लेके आए हैं उसमें हिंदू मुसलमान कहीं पे भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही चीज है, जबरन धर्मांतरण। वो हिंदू कराए, मुसलमान कराए, सिख कराए, ईसाई कराए, कोई भी कराए, उसमें क्या आपत्ति है आपको? मैं आपको फिर एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे बल्लौर के अंदर निकिता तोमर मर्डर केस बड़ा फेमस हुआ था, गोली मारी थी लड़के ने उसको इस बात के ऊपर कि उसने लव जिहाद के चक्कर में नहीं वो फंसी थी। तो कांग्रेस पार्टी को अपने गरिमान में झांकना चाहिए, और ये नकली हिंदू बनने का जो ड्रामा करते हैं और मुसलमानों के नाम पे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसको हरियाणा प्रदेश की जनता भी देख रही है, इसको देश की जनता भी देख रही है। जो राहुल गांधी जी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके नकली हिंदू बनने का ड्रामा करते हैं, और आप जब खालिद चहल गांधी जैसे जो लोग हैं जिसका आपने एग्जांपल दिया की बात करते हैं, बहुत बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को हमने भी उठाया था, और आज भी जहन में वो तस्वीरें जब ताजा होती हैं तो एक कई सारे सवालों को एक साथ छोड़ जाती है। ठीक है अजय गुलिया साहब, अजय गुलिया। नहीं देखिए अनामिका जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए ये कांग्रेस के लोग किस प्रवृत्ति के हैं कि इन्होंने पहले पढ़ा नहीं, पहले उसको समझा नहीं और विरोध करने के नाम पे विरोध करा। देखिए उसके शुरुआत में ही है मुख्यमंत्री ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए जबरन तो कोई काम होना नहीं चाहिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या। जबरन अगर कोई काम किसी से कोई करवाएगा तो लोकतंत्र की हत्या है, तो संविधान के मूल जो हमारा मंत्र है फ्रीडम, ये तो उसकी हत्या करने वाले लोग हैं। अब देखिए ना ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, एक इनके नेता के ऊपर कुछ लोगों ने, दो लोगों ने हमला किया, हजारों सिखों को कटवा दिया था, जलवा दिया था इन्होंने दिल्ली के अंदर, ये उस किस्म के लोग हैं, इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं कांग्रेस के लोगों के लिए कह सकता हूं,
कि आप लोगों को कुछ समय के लिए तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन लोग आपकी मंशा को अब समझ गए हैं, आपकी बातों में आने वाले लोग नहीं है। देखिए रघुवीर कादयान जी तो अपने हाईकमान के सामने नंबर बनाने के चक्कर में थे, और राहुल गांधी जिसको रेस में दौड़ा दो अकेला तीसरे नंबर पे आएगा, उन्होंने भी तो लोकसभा ये किया था लोकसभा के अंदर जाकर के रणदीप सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में घुस करके उन्हीं की सरकार द्वारा उन्हीं की कैबिनेट द्वारा बनाए गए कानून को फाड़ करके किसका अपमान उन्होंने किया, एक देश के प्रधानमंत्री का अपमान उन्होंने किया, अपनी पूरी कैबिनेट का अपमान उन्होंने किया, और उसी पार्टी के सांसद थे, उसी पार्टी के सांसद थे, उस सीट को भी छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि वो लोग समझ गए थे, जैसे अमेठी के लोग समझ गए थे। आप उनको उन्होंने कुछ समय के लिए मूर्ख जरूर बना सकते हो, लेकिन हमेशा आप सभी को मूर्ख नहीं बना सकते हो, लोग ये बातें इनकी अब समझ गए। अब नामिका जी एक बात समझे कि ये लोग किस सेकुलरिज्म की बात कांग्रेस के लोग करते हैं, अरे इन्होंने तो हजारों हजारों सिखों को दिल्ली में आग के हवाले, पूरे भारतवर्ष में आग के हवाले कर दिया था कुछ लोगों की गलती के लिए, ये उस प्रकार के लोग हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जबरन नहीं इनकी इच्छा, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के ये विधायक नेता बनना चाहते हैं, कुछ बने कर ले अपना परिवर्तन, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जबरन अगर कोई करेगा वो गलत है, वो किसी के साथ भी हो, ना सिर्फ धर्म परिवर्तन बल्कि और वो कोई काम जबरन कोई किसी से करवा वो गलत है उसके खिलाफ। हाँ एक चीज की मैं तायद करता हूँ, उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी बिल बिल्कुल आना चाहिए सरकार, ये बात इन्होंने कही हम मानते इस बात को आना चाहिए, सरकार इसके लिए प्रयासरत है, सभी को रोजगार का रोजगार के साधन उपलब्ध हो, सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है, लेकिन ये लोग उसका भी विरोध करने वाले लोग हैं। 75% का हरियाणवी को मिलने की बात हुई, उन्होंने विरोध किया, ये लोग तो विरोध करने वाले लोग हैं। कोर्ट में चला गया मामला, का हम मंशा जानते हैं, मैं कहता हूं कांग्रेस के लोगों को राजनीति छोड़ के और ये भविष्य देखने का काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो मंशा जानते हैं भविष्य जानते हैं, वर्तमान में जीने वाले लोग नहीं है, ये बात करते ये ब्लैक एंड व्हाइट पर विश्वास नहीं करते हैं, जो कागज पर लिखा है जो कानून बना है ये उस संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये लोग तो सिर्फ कोरी राजनीति करते हैं। और देखिए मैं एक चीज कहता हूं, रघुवीर कादयान जी बहुत सीनियर विधायक है, खुद तो वो स्पीकर भी रहे स्पीकर और सरकार द्वारा जब सबसे सीनियर मान करके उन्हें परमानेंट स्पीकर बनाया गया, उनको ये उनको शोभा देता है क्या कानून की प्रति एक, जो देखिए कानून बना रहा है विधानसभा के अंदर जिसका कि हम सब लोग सम्मान करते हैं, चुने हुए लोग जाते हैं उसके अंदर, लेकिन आज बेरी की जनता ये जरूर मान रही होगी, आज बेरी की जनता ये जरूर मान रही है कि वो ठगे गए हैं, ऐसे व्यक्ति को बार बार उन्होंने चुन करके विधानसभा में भेजा है, जो उसकी विधानसभा के लगभग मैं कहता हूं 99.9% जो उनकी जनसंख्या है उसका विरोध करने वाले वो लोग हैं। आज रघुवीर कादयान जी ने दिखा दिया कि वो राहुल दूसरे राहुल हरियाणा के राहुल गांधी रघुवीर कादयान जी हैं, आज उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। हाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, उनका मानसिक संतुलन मुझे लगता है बिगड़ गया, रघुवीर कादयान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कह रहे हैं अजय गुलिया। कांग्रेस के आरोपों में आज सदन के भीतर जो कांग्रेस आरोप लगाई जा रही थी सरकार पर, और आरोपों में अशोक जी आपको कितना दम दिख रहा है, क्या सचमुच आधुनिक समाज में हमें इस तरह के कानून की इस वक्त जरूरत है, ये मेरा दूसरा सवाल आपसे। अनामिका जी जो हरियाणा न्यूज ने जो अपना ये आज की जो डिबेट रखी है ये बहुत सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है, इसके लिए जो है अपना ये ज्वलंत मुद्दा है इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। देखेगा कि आज जो है बजट सत्र का तीसरा दिन था, सरकार ने जो है जबरन धर्मांतरण का जो विधेयक जो बिल अपना जो पास किया, आज जो तमाशा हुआ जो कुछ हुआ क्या नाम असेंबली के अंदर वो सबने देखा, पूरा देश देख रहा है और आपने भी देखा, सभी देख रहे हैं, तभी जाएंगे आज हम आप लोग जिस पर बैठ कर चर्चा कर रहे हैं। देखेगा आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं अपना जो कांग्रेस है कांग्रेस वाले इस पर लगाते हैं, है आज का जो असेंबली के अंदर जो हुआ है, अभी जो कह रहे थे कि अपना जलपाई के गुलिया जी के भाई का वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देखेगा ये बात हमें कहनी आसान लगती है पर ये इस तरह के जो शब्द हम यूज करते हैं तो वो अच्छा सा नहीं लगता है। एक वो भी एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, कोई कम नहीं है, सत्ता तो आती रहती है जाती रहती है बदलती रहती है। चलिए अजय गुलिया साहब की बात हो गई, आपको क्या लगता है कादयान साहब ने ऐसा क्यों किया होगा? देखेगा
वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, अपने एंगल से देख रहे हैं कि ये अपना जो विधेयक लाने से इससे जो है अदर जो कम्युनिटी है उनके ऊपर कोई इसका असर पड़ेगा, हर किस को हर कोई ये तो चर्चा के बाद पता लगता है ना, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केवल जबरन के लिए है, स्वेच्छा से जो चाहे जिस धर्म को अपनाना चाहे वो अपना सकता है, ये उनको नहीं रोकेगा, उसके बाद बिल की कॉपी को फाड़ने का मतलब समझ में नहीं आया सर। देखेगा बात सुनो, यानी जो अपना जो पार्टी है वो पार्टी अपने एंगल से सोचती है, अपने हिसाब से सोचती है कि इस बिल के लाने से आने से नुकसान है, क्या फायदा है नहीं क्या है, पर जो इस तरह की जो अपना एक्टिविटी है बिल फाड़ना ये करना वो संवैधानिक उसमें अच्छा नहीं लगता है, उसमें फिर कार्रवाई करनी पड़ती है और फिर उसके बाद में जो है तो आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने ठीक एक्शन लिया। ऐसा है कि देखेगा जो टाइम के हिसाब से जो एक्शन ले लिया जाता है उसको ठीक ही माना जाता है, भले जो अदर्स पार्टी वाले हैं अदर्स जो उसके अपना करें जो उसके अपना विरोध करें, विरोध करने का अपना अपना ढंग होता है, विरोध इस तरह से नहीं होता जिस तरह से फाड़ के करके वो नहीं अपना जो है डिबेट में वो चर्चा में शामिल हो, सरकार को अपने बताएं, सरकार को अपने चालका जी इसे नोट कर लीजिएगा कि विरोध करने का भी अपना एक तरीका होता है, बिल की प्रति फाड़ कर ही विरोध करना जरूरी नहीं था, यह गलत किया। मैं आप ही के पास हूँ अभी अशोक जी, नहीं नैरा जी रुक जाइए, चालका जी सब क्या होंगे, अशोक जी मैं आप ही के पास हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि अपनी पार्टी के लिए उसे ठीक नहीं लगा होगा, आपकी नजर में इससे कांग्रेस पर कैसा प्रहार हो जाता? देखिएगा इस तरह का जो करना है वो गलत है, एक्टिविटी ये अच्छा नहीं है, हमारे संवैधानिक हमको अधिकार दिए हुए हैं और प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा हक है, और जबकि जो असेंबली में बैठते हैं वो तो जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो लाखों लोगों ने चुन के भेजा है, तो वो उनकी जिम्मेदारी और बन जाती है कि वो किस तरह के जो आचरण जो है जो बोलते हैं वो जो बड़े हैं अपना सीनियर लीडर्स में माने जाते हैं वो भी अपना जो अच्छा पदों पर रहे हैं सब कुछ उन्होंने भी असेंबली चलाई है, तो इस तरह के जो है वो थोड़ा नहीं विरोध कर कीजिएगा, विरोध करने से कोई मने नहीं करता, कोई विरोध करने से मने करता तो उसका जो है असर तो उसमें होना चाहिए, पर ये बिल के प्रति फाड़ना ये करना चलिए ठीक है मैं आ रहा हूँ खाली चल का यस वो बिल फाड़ने की क्या जरूरत थी, बिल फाड़ने का खाली चाल का ठीक है अशोक जी मैं आ जाऊंगी बाद में आ जाऊंगी खाली चाल धन्यवाद आइए। अनामिका जी पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पहले मैं जो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो फरीदाबाद के एक मामले का जिक्र कर रहे थे, वो एक दूसरा मसला था उसको धर्म परिवर्तन से जोड़ रहे हैं, देखिए किस तरह लोगों को बरगलाने का काम भाजपा करती है, मामला क्या था और उसको उसमें कहीं भी पूरी पूरी प्रोसेसिंग में आपको ऐसा दिखा आपने ऐसा सुना ऐसा समझा कि वो धर्म परिवर्तन का मामला था, वो नहीं था, लेकिन आप करते क्या है, एक भाजपा करती क्या है कि बड़ी चालाकी से क्या करती है, करना क्या चाहती है कि ऐसे लोगों ऐसी चीजों को भावनात्मक जोड़कर लोगों की वोट बटोरना चाहती है। खबर को हम भूले नहीं है खाली चाल का, देखिए आज मेरी जो डिबेट है प्लीज 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 अलाउ मी वो खबर भूला नहीं है प्रदेश, आप आज के वाक्य पर आइए जो खुद स्पीकर रह चुके हैं, मेरी बात सुनिए ना आप क्यों मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, निकिता तोमर पे 9 बजे बैठ जाएंगे सर आपके साथ, आप रुक जाइए ना, अगर आप भी कोई से बात कर लिया आप रुकिए पहले सर देखिए मुझे केवल 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 इस बिल पर डिबेट नहीं करनी है, मुझे और मुद्दों पर भी बात करनी है। अनामिका जी एक बात सुनिए, आपने भाजपा के प्रवक्ता को क्यों नहीं रोका जो धर्म परिवर्तन की बात हो रही, तो मैंने आपको भी 4 लाइन बोलने से जवाब देने से नहीं रोका, खाली चाल का आपने भी निकिता हत्याकांड पे 4 लाइन बोली, मैंने बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन अब केवल निकिता हत्याकांड पे तो बात नहीं होगी ना, आप इस देश के आप मुझे पता है मैं कौन हूँ, आप बस ये बताए बड़ा हिस्सा है और आप जब वन में जब आप वन में चलने लगते हैं जब दिक्कत होती सर ये आप मत बताइए प्लीज 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 आप समझ लीजिए या तो आप जवाब दीजिए, अगर आपको लगे इस तरह की अनर्गल बातें करके मैं दूसरे साइड चली जाऊंगा ऐसा नहीं होगा, मैं सरकार से और बातों को लेकर आपने जो रोजगार गारंटी की बात कही मुझे नैरा जी से उसका भी जवाब लेना है, सरकार से आप पूछने का मौका ही नहीं देंगे, 5 मिनट वेस्ट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, अजय गुलिया जेजेपी के प्रवक्ता
जिस पार्टी को फॉलो करते हैं आप जानती है, चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के कितने बड़े नेता थे, उनके वंशजों से जुड़े लोग इस तरह आज एक पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर धार्मिक भाजपा अपना लेते हैं, ये बड़े दुख की बात है। जहां तक सर मैं यही समझना चाह रही हूं, आप ये प्लीज आप लोग मत बोलिए ना, बीच में रुक जाइए कालीचलका जी, आप किस सवाल का जवाब दे रहे हैं? कादियान साहब, आप किस सवाल का जवाब दे रहे हैं काली जी? कादियान साहब इस प्रदेश के कांग्रेस, कादियान साहब कांग्रेस पार्टी के नेता होने के साथ इस प्रदेश के एक सामाजिक व्यक्ति भी है जो जीते हैं रोज और भाजपा की चीजों को समझते हैं। हाँ। उनका सीधा सीधा मतलब है कि आप इस कानून की आड़ में धर्म विशेष को टारगेट करने का एक मंसूबा बन रखते हैं। यही तो बताइए ना। इससे पहले पांच छह राज्यों में कानून है, उड़ीसा में कानून है, गुजरात में कानून है, आप सुनिए तो सही, गुजरात में कानून है, छत्तीसगढ़ में कानून है, हिमाचल प्रदेश में कानून है, मध्य प्रदेश में कानून है, आप बताएं और आपके जो लोग बैठे हैं ये बताएं कि वहां पे कितने मामले दर्ज हुए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के, बताएं। लेकिन आप कुछ होता नहीं है, आप उनको भावनात्मक धर्मों से जोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस का विरोध है कि आप उस कानून की आड़ में धर्म विशेष को टारगेट करके दूसरे लोगों को बरगड़ाकर उस कानून की आड़ में आप फायदा लेना चाहते हैं। एक तरफ आप 8 साल से गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और जब हम गाय के नाम पर आपसे कानून बनाने की मांग करते हैं तो आप भाग जाते हैं। तो ये राजनीति नहीं चलने देगी कांग्रेस पार्टी। ये मेरा जवाब है आपको कि जो कादियान साहब ने कहा उसके पीछे उनकी वंशा समझते हैं, वो नेता होने के साथ इस प्रदेश के बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति भी हैं, वो समझते हैं भाजपा के मंसूबों को, वो समझते हैं कि आरएसएस क्या चाहती है, वो समझते हैं कि सत्ता के लिए आरएसएस और भाजपा इस देश को गिरवे रखने की फिराक में, इस देश को तोड़ने की फिराक में कांग्रेस पार्टी उसका एक प्रदेश से लेकर देश स्तर पर विरोध करेगी। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप ले आइए, आप 10 राज्य में कानून, जवाब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप पूछ रही हूँ ना सरकार से, बताइए, आप पूछ रही हूँ सरकार से, सुनिए आप सुनिए, ठीक है विजय नेहरा, धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप क्यों लगा आप पर? अनामिका जी देखिए, मैंने तो अभी बकायदा आपको नाम लेके बताया, उसका जवाब कोई दे नहीं पाए मेरे मित्र, कि इनकी सरकार के समय मतांतरण की गतिविधियों के अध्ययन के लिए बकायदा जो गठित हुई थी कमेटी नियोगी आयोग के नाम से, वेणुगोपाल आयोग ने भी अवैध मतांतरण पर कानून बनाने के लिए कहा था, और तरला मुठभेड़ प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अवैध मतांतरण पर कानून बनाने के लिए कहा था। तो हम तो वही काम कर रहे हैं जो लोग ये नहीं कर पाए। बस एक मिनट के लिए रुक जाइए, ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए चालका जी, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए ना, ये दोबारा हो गया ना, दोबारा सवाल आया, इसका जवाब ले लो फिर आगे बढ़ूंगी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, केवल इसी का जवाब दीजिएगा चालका जी, मुझे आगे जाना है, अजय गुलिया भी हाथ रेज कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले 10 राज्यों में कानून है, आप ये बताइए आपने कितने मामले वहाँ दर्ज किए धर्म पर? अनामिका जी जवाब नहीं है इनके पास, ठीक है नेहरा जी मैं, अगर मैं आपका जवाब नहीं है उनके पास, मैं आपका जवाब देता रहूंगा तो मतलब आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब है नहीं, आप मुझे अपने जवाब देना है, बात पूरी करें, ठीक है चलता जी आ रही हूं मैं, आ रही हूं सर बहुत गंभीर आरोप है, नहीं विजेंद्र नेहरा बहुत गंभीर आरोप है कि आप इस बिल की आड़ में अपनी एक अलग तरह की राजनीति साधने की कोशिश में हैं, जो कांग्रेस को ही समझ में आ रही है, आप लोगों पर ये बहुत बड़ा आरोप है कि आप मतलब आप क्या चाह रहे हैं इस बिल को लाने के पीछे, आपकी मंशा क्या है? मैंने आपसे पूछा, आपने बहुत समझाया, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा, वही सवाल मैं बीजेपी से पूछ रही हूँ, इनकी बात समझ में नहीं आएगी तो मैं अजय गुलिया साहब से भी वही सवाल पूछूंगी, मुझे इस बिल के आगे भी बात करनी है, सदन में केवल इस बिल पर बात नहीं हुई है, रुकिए ना आप प्लीज, ठीक है अनामिका जी देखिए, बिल के अलावा भी विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे, पहले आप इस पर जवाब दीजिए ना, आप पर अगर आरोप लगाए, आरोप संगीन है, ठीक है, दो आरोप मैं जवाब दे देता हूँ, आप लोग मुझे समय दीजिए, आपने जितना बाकी लोगों को समय दिया, बिल्कुल बोलिए, देखिए ये तो तरह तरह की बात करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, हम लोग सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास इसको लेकर के चलने वाले लोग हैं, और कभी जब इनकी सेंटर में सरकार थी तो देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, राहुल गांधी ने केरल के अंदर स्पष्ट रूप से कहा था कि हाँ हम मुसलमानों की पार्टी हैं, तो ये तो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते स्पष्ट है, लेकिन हम
हमारे लिए सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, अन्य जो विधानसभा के अंदर जो आज माननीय अनिल विज जी ने जो बहुत बड़ी बातें कही है कि 5 एकड़ से कम भूमि वाले जो हमारे किसान हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो मुफ्त में इलाज की सुविधा है अनामिका जी, एक बहुत बड़ी खबर है पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए। इसके साथ साथ जो बीपीएल परिवार और 1,80,000 तक जिन लोगों की आमदनी है उनको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा और वृद्धावस्था पेंशन 3.5 लाख। ये सब तो आपने कार्रवाई के दरमियान देख लिया, जो 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 नाराजगी रह गई कार्रवाई के बाद भी उस पर सवाल होगा। जी मैं आप देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, आप मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा। मैं मुख्य मुख्य जो पॉइंट है, 3.5 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन के लिए हमने वो किया है और इसके साथ साथ 8 मार्च को अनामिका जी माननीय मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करेंगे वो महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, गरीब लोगों के लिए भी और सुशासन से कैसे हम भ्रष्टाचार को खत्म करें इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। और जिस पेंशन को विपक्ष बार बार मुद्दा बनाता है मैं इनको बताना चाहूंगा कि 15 लाख रुपए से बढ़ा करके उसकी संख्या को हमने 29 लाख तक लोग हमारे हमारे शासनकाल के अंदर पहुंचे हैं, जो पेंशन भोगी है, जो पेंशन ले रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग दुगनी उनकी संख्या हुई है। और इसके साथ साथ 48 साल हरियाणा प्रदेश के इतिहास में 2014 तक अगर मैं लगाऊं जब से हरियाणा बना है तो 1,000 रुपए तक पेंशन बढ़ पाई थी, हमने 7 साल के अंदर 1,500 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया अनामिका जी। हमने आज 2,500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन की है जो 2014 में 1,000 रुपए थी, 7 साल में हमने 1,500 रुपए पेंशन बढ़ाई है। इसके साथ साथ 7 साल में 33,799 करोड़ रुपए का जो निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है उसमें 62,000 नए उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे, मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और अब तक 495 MOU अनामिका जी, 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ, अब तक अनामिका जी तो 495 MOU हुए हैं, उसके माध्यम से 6.66 लाख जो हमारे करोड़ रुपए का जो निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर आया वो अपने आप में। मैं आगे नहीं जा रही हूँ नेहरा साहब, आप मुझे सुनिए पहले, प्लीज आप मुझे सुनिए। खालिद चालका ने शुरुआत में एक और सवाल आपके लिए छोड़ा था कि हम तब स्वागत करते जब अगर रोजगार गारंटी पर आप बिल लेकर आते, इससे ज्यादा जरूरी वो था, उनका ये सवाल तो रह गया। नेहरा जी इसका जवाब दीजिए, अजय गुले जी आ रही हूँ। देखिए अनामिका जी मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार के विषय में हमारी सरकार ने जो काम किया ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में हमें रोजगार दिया है, 80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी अपने शासनकाल के हमने दिए हैं और जो उद्योग धंधे हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देते हैं आज सालाना प्रति कर्मचारी 48,000 रुपए की सब्सिडी ऐसे उद्योगों को देने का अगर किसी ने काम किया है तो हरियाणा प्रदेश ने किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं निवेश के माध्यम से भी, ईमानदारी से नौकरी देने के माध्यम से भी पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश आज सबसे आगे है। 800 एकड़ के लिए आज मारुति ने और 100 एकड़ के लिए आज जो सुजुकी बाइक कंपनी है उसने आवेदन किया हरियाणा प्रदेश में प्लांट लगाने के लिए। आप लगाइए कितने कितना बड़ा एक मदर आएगी, कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर, अपने आप में हरियाणा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बोल रहे थे अजय गुलिया। देखिए अनामिका जी ये बिल तो 2005 से लेकर के 14 तक इनकी सरकार थी तब भी आना चाहिए था, हम तो शहर से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल आना चाहिए और आएगा। दुष्यंत जी इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है कि हरियाणा प्रदेश का कोई युवा बेरोजगार न रह जाए, ये 75% उसी की तरफ पहला कदम है। दुष्यंत जी की सोच है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, ये मैं आपके सामने आपके टीवी चैनल पर बड़ा दावा करता हूँ जरूर आएगा। हम आपको एक चीज स्पष्ट कर दें कि हमारा पहले भी वही एजेंडा था और आज भी है कि जो वादे हम लोगों के बीच में करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी अगर उनको पूरा करेगी तो हम सरकार का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे, दोबारा चुनाव में वोट मांगने तब जाएंगे जब लगभग सारे वादे पूरे हो जाएंगे। एक चीज देखिए, नहीं अनामिका जी एक चीज सोचिए, किसी भी चीज पर बोलने के लिए या विरोध करने के लिए आपको उसको जानना तो जरूरी है कि उसके अंदर लिखा क्या है। जब आपको पता ही नहीं, ये तो तय हो गया, आप मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को तो कहना ही नहीं चाहिए, ये तो एक्सपोज हो गए हैं, इनको ये कहना ही नहीं चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है हमारे, ये इनका तो विरोध करने की मंशा पहले से थी। इन्होंने कानून तो पढ़ा नहीं, इन्होंने कानून तो पढ़ा नहीं, पढ़े बिना उसका विरोध किया, ये तो मंशा इसकी बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कांग्रेस पार्टी की। इन्होंने तो विरोध के नाम पर विरोध करना था। मैं तो हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा ऐसे लोगों को चुनकर के विधानसभा में ना भेजे जो एजेंडा के साथ काम करते हैं, ऐसे लोगों को चुनकर के भेजे जो सार्थक चर्चा करें, या पक्ष है या विपक्ष है, या पक्ष है या विपक्ष है, सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, उन्हें हरियाणा प्रदेश के लोगों ने चुनकर के भेजा है, उन्हें हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितार्थ काम करना चाहिए। ये तो एजेंडे में तय था कांग्रेस के कि ये विरोध करेंगे, अन्यथा पढ़ने के बाद अगर कोई कमी लगती तो विरोध करते।
बिना पढ़े आपने विरोध किया, ये तो देखिए राहुल गांधी सरकार सांसद थे कांग्रेस के, जब वो कानून बनया तो उन्होंने से चर्चा जरूर हुई होगी। चलो विपक्ष के तो मैं कहता हूँ नहीं करी होगी कांग्रेस ने, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने तो चर्चा करी होगी, कमेटी की मीटिंग हुई होगी, उसमें बैठे होंगे। उसके बाद कानून बनने के बाद देश के कानून देश का जो सदन में लोकसभा में जहां गरिमाई लोग चुन करके जाते हैं उस संसद ने कानून बनाया, और राहुल गांधी सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के उस कानून की प्रतियां फाड़ देते हैं, कितना अपमान उस सांसद का। वो किसी एक सांसद का नहीं, पूरे संसद उस प्रणाली का, लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान राहुल गांधी ने किया। उसी की पुनरावृत्ति आज रघुवीर कादियान जी ने करके ये बता दिया कि वो हरियाणा के दूसरे राहुल गांधी हैं। खाली चाल का जवाब, भारतवर्ष के अंदर है, सारा देश उनको किस नाम से कहता है, मैं तो चर्चा में नहीं जाना चाहूंगा। रघुवीर कादियान जी हरियाणा के राहुल गांधी हैं। ठीक, आप जवाब ले लीजिए। खाली चाल का जी बोलिए सर। जो गुलिया जी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके मुद्दे का जवाब देता हूँ मैं। पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनके उनके घोषणा पत्र में एक वादा है, सारे वादों की बात नहीं करते हैं, उनके घोषणा पत्र में एक वादा है कि वो एक कलम से वृद्धा पेंशन 5,000 रूपए करेंगे और वो अपनी गिरेबान देख लें। इसके अलावा राहुल जी के बारे में और कादियान जी के बारे में बात करने, ये तो अब उनको मैं क्या कहूँ, ये बेचारे उनको लगता है कि वो 60 साल देश पे राज करने वाले आज ये शिक्षा दे रहे हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी के ऊपर कानून बनना चाहिए। 60 साल जवाब उनकी उनकी नाराजगी भी सुनिए। आप लोग सबका साथ सबका विकास वाले हैं, अगर वो नाराज है, क्यों नाराज है, क्यों बिल की कॉपी फाड़ी, वो वही बता रहे हैं। एक बार आप उनको सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। खालिद जी बोलिए, बोलिए। सुनिए, अनामिका जी नाराज ही नहीं है, उनका तो एजेंडा था। मैं कह रहा हूँ एजेंडा था, कोई बात नहीं, आपके हिसाब से एजेंडा था, एजेंडा पर जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस का एजेंडा था, एजेंडा पर जवाब ले लेते हैं। सर रुक जाइए ना, आपका सवाल हो गया, रुक जाइए। बोलिए खालिद जी, बोलिए बोलिए। सुन लो भैया। नहीं ठीक है, आप बोलिए, वो चुप हो गए हैं। बोलिए खालिद जी, बोलिए। घर वालों को सुना रहे हो, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, जरा आराम से सुन लो। बोलिए, एक सवाल का जवाब वो दे दे कि उन्होंने ये कहा था कि 5,000 रूपए पेंशन करने वाले, वो 5,000 रूपए पेंशन वृद्धा पेंशन क्यों नहीं हुई। दूसरा वो बात करते हैं रोजगार की, हम सबको रोजगार देंगे, हरियाणा एक नंबर पे रोजगार पे है, वो भी आंकड़ों के हिसाब से, हमारे कहने से नहीं, जो आंकड़े निकालेंगे उनमें एक नंबर पे बेरोजगारी में है। अजय जी, मैं एक मिनट के लिए रोक रही हूँ सर, ये घर वालों वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हरियाणा महंगाई पे, वो घर वालों को सुना रहे, ये नहीं बोलनी चाहिए थी, ये गलत। हरियाणा निजी आक्रमण नहीं, प्लीज सर, प्लीज। अगर अजय साहब भी बोलते मैं उनको भी रोक देती। वो अपने घर वालों को क्या सुनाते हैं, क्या दिखाते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता आपका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। आप प्लीज इसको वापस ले लीजिए और उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये थोड़ा गलत लगा सर, नहीं ये ठीक बात। अगर गुलिया जी को बुरा लगा तो सुनो अनामिका, अगर गुलिया जी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन घर आप चिल्लाते हैं ना, चिल्लाने से बैठ, कोई बात नहीं, मैंने चुप करा दिया था, मैं बैठी हूँ ना, मैंने आपके बीच में उनको नहीं बोलने दिया, मैंने बोलने ही नहीं दिया उनको, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। सुनिए मेरी बात, ये जहां तक महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं उसमें हरियाणा आजकल एक नंबर पे चल रहा है और इन्हीं सरकार इन्हीं दोनों पार्टियों के बदौलत चल रहा है। आप ये बताइए कि आप इतना बड़ा हित चाहते हैं, कोरोना में कितने लोग मर गए, आपने कहा था दस दस लाख रुपए की सबको मुआवजा देंगे, आप बताइए आपने किसको मुआवजा दिया, जो बच्चे उसमें नाथ हुए आपने कहा था कि उनको मुआवजा देंगे, आप बताइए आपने किसको दिया। आप जो प्रदेश के हित के काम है वो नहीं करते और प्रदेश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसी चीजें लाते हैं। एक मैंने कहा कि इससे पहले 6 से 7 राज्यों में अनामिका और ये कानून लागू है, और भाजपा और जेजेपी को तो समझ है, तो बताएं कि इस कानून के तहत कितने मामले दर्ज हुए जबकि वहां भाजपा की सरकार थी। अगर उनको लगता है कि इसमें अगर उनको बहुत बड़ी वो सिर्फ एक राजनीति के लिए उनका एजेंडा है, एक धर्म विशेष को टारगेट करने का और एक धर्म विशेष को अपने आप में बड़ा दिखाने का उनका एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो इस समय इस आधुनिक भारत में जरूरत है वो रोजगार की जरूरत है, इस आधुनिक भारत में महंगाई कम करने की जरूरत है, इस आधुनिक भारत में गरीब के घर तक रोटी और राशन पहुंचाने की जरूरत है, उन पे आप बात नहीं करते हैं। कोरोना में जो लोग अनाथ हो गए, जो बच्चे, उनको आप एक पैसा नहीं देते हैं,
किसानों के लिए आपने, किसानों के लिए आपने कुआं खोद दिए हैं, वो आगे बढ़ेंगे तो खाइए, पीछे कुएं तो खाइए। आप प्रदेश के हित में काम करना चाहते हैं तो किसानों के लिए करिए, बेरोजगारों के लिए करिए, कोरोना में मारे हुए बच्चों के, माता पिता जिनके खत्म हो, उन अनाथ बच्चों के लिए करिए। नेहरा जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आ रही हूं। लेकिन नेहरा जी सोते ही आ जाऊंगी। गुलिया सर अभी अशोक जी की भी बारी नहीं आई। आप सुनिए, अनामिका जी, नहीं नहीं नेहरा, अभी तो मुद्दों पे बात हो रही है ना, रुक जाइए नेहरा जी, मुद्दे गिना रहे हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि आप मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसी नई नई चीजें ला रहे हैं। रुक जाइए, सुन लीजिए, ठीक है खाली जी, मैं अब आपका जवाब ले रही हूँ, प्लीज 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 खाली जी, मैं जवाब ले रही हूँ, रुक जाइए। नेहरा साहब आपने दो मुद्दे उठाए, एक तो पेंशन का, एक बेरोजगारी का, मैं दोनों पे छोटा पेंशन पर आऊंगी, अजय गुलिया आऊंगी मैं जरूर। देखिए, एक तो इन्होंने पेंशन की बात की, मैं इनको बताना चाहता हूँ मेरे मित्र को, की जब से हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 से 2014 तक 48 साल के अंदर आपने पेंशन बढ़ा करके कितनी की, 1000 रुपए। आपने 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने कितनी पेंशन बढ़ाई, 500 रुपए, और हमने 7 साल में बढ़ाई है 1500 रुपए, आज 2500 रुपए विद्यार्थी पेंशन है 2500 रुपए। तो हमने सबसे ज्यादा आज पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है, पहली बात तो ये। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा बेरोजगारी पे, आपने हरियाणा को बताया नंबर वन, आप तीन मेहमानों के बाद आऊंगी। अरे सुनिए शेरगाजी, आपने बीच में नहीं बोला था। मैं दूसरा, आपने बात की बेरोजगारी के, नामिका जी मैं इनको बताना चाहूंगा, आपकी जो पसंदीदा, आपकी जो फेवरेट कम जो रिपोर्ट देती है, आंकड़े देती है बेरोजगारी के, CMIE, ये उसके आंकड़े हैं कि 65 लाख बेरोजगार है राजस्थान के अंदर, 54% बेरोजगार है राजस्थान के अंदर जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवा है। तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में कांग्रेस शासनकाल के अंदर है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। जो आपको बुरा लग रहा था ना गुलिया साहब बीच में बोल रहे थे, तो रुक जाए प्लीज प्लीज। नेहरा जी कंप्लीट कीजिए, खाली चालका जी आप मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुके नेहरा जी, नेहरा जी के बाद अजय गुलिया, फिर अशोक चौहान से होते हुए आऊंगी, आप इंतजार कीजिए। आप प्लीज प्लीज, आपको मैंने 4 बार मौका दिया, अशोक जी 1 बार बोले। नेहरा जी बेरोजगारी, अनामिका जी उसका जवाब कीजिए, आप राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके राज्य में है। ठीक है अजय गुलिया, अजय गुलिया नहीं, देखिए अनामिका जी मैं एक चीज कहता हूँ, मैं चहलका साहब ने अभी किसानों की बात करी, जी जी तो मैं फैक्ट्स पर बात करें ना, व्यर्थ की व्यर्थ में चर्चा को खराब क्यों करें। देखिए कांग्रेस के शासनकाल में मैं आपको कॉपी दिखा सकता हूँ, या अनामिका जी मैं आपको भेज दूंगा, दो दो तीन तीन रुपए के चेक फसल के मुआवजे, जो फसलें खराब हो गई थी कांग्रेस के राज में, 2 से 3 रुपए के चेक गए हैं, मैं उनकी कॉपी आपको भेज दूंगा। अब सीधा ही होगा कि फसल किसी खराब है, 7000 इस प्रकार से मुआवजे जा रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी को तो ये पता नहीं होगा कि 2 रुपए ज्यादा है कि 7000 रुपए ज्यादा है, चहलका साहब को तो ये बात पता होगी ना कि 7000 ज्यादा होते हैं कि 2 या 3 रुपए ज्यादा होते हैं। मैं चेक की कॉपी के साथ भेज सकता हूँ आपको, चहलका साहब को भेज सकता हूँ कि कांग्रेस के शासन काल में जब किसानों की फसल बर्बाद हुई थी तो उनको 2-2, 3-3 रुपए के चेक देकर के उनका अपाहुस उड़ाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। ये तो अंतर इनको करना ही पड़ेगा कि कौन सी रकम ज्यादा है, 2 रुपए 3 रुपए ज्यादा है कि 7000 रुपए ज्यादा है। अब किसान का हितैषी कौन है, मेरे आपके कह देने से तो नहीं होगा, किसान को लाभ किसने ज्यादा दिया, किसान को जब नुकसान हुआ किसान के साथ खड़ा कौन हुआ, तो ये तो लोग तय करेंगे, हरियाणा प्रदेश के लोग तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपकी सरकार है तो क्यों नहीं बनाया अब तक, हम बनाएंगे, वादा करते हैं लोगों के बीच में बनाएंगे। आपने एक पेंशन की बात उठाई, वो तो विजेंद्र नेहरा जी ने बता दिया कितने साल में कितनी बढ़ी। फिर एक बात कह रहे हैं, लगभग जो वादा करके आए हैं पेंशन लोगों की पूरी करेंगे, तभी लोगों के बीच में चुनाव में वोट। ठीक है अशोक चौहान जी, कह देने की बात नहीं है, ये लोगों के बीच में वादा करके आए थे। ठीक है अशोक जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पूरे हंगामे पर? हंगामा क्या खाली जी, जजपा है अपना जो है गठबंधन धर्म निभा रहा है, बहुत अच्छा है। भाजपा जजपा का अपना संयुक्त से अपना इनका प्रयास है, ये सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। देखेगा पेंशन बढ़ी, शुरुआत जो है चौधरी देवीलाल ने अपने टाइम से शुरू की थी, अब जो है भले कांग्रेस के टाइम में 1000 रही हो अब बढ़ा है। अरे आप अपने प्रदेशवासियों के लिए तो बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है।
करना चाहिए होना चाहिए, पर इस तरह से नहीं जो आपस में एक दूसरे के जो है लेग बोलिंग करके या एक दूसरे पे आरोप लगा हेल्दी दिख रहा था अभी तक, लेकिन आज हंगामा हो गया। खैर देखेगा अफसोस होता है और दुख होता है, मानते हैं जज्ब अपना धर्म निभा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, निभाना चाहिए। गठबंधन जब तक रहता है उसमें बहुत ही अपना बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से और बहुत गठबंधन के बाद भी सौहार्द बना रहे सर, विश्वास सौहार्द बना रहे, अच्छी बात है। कल किसने देखा? चलिए ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हालात बदल रहे हैं और ये अपना जो है आरोप प्रत्यारोप और दूसरे जो है व्यक्तिगत छींटा कशी करना बंद कीजिएगा, वो अच्छा नहीं है। जो भी पार्टी काम करती है, जो रूलिंग में है, वो अपने प्रदेशवासियों की ले तो करेगी। हम जो कंपेयर करने लगे महाराष्ट्र से, हम कंपेयर करें राजस्थान छत्तीसगढ़ और इधर से, तो अरे जो करना है तो हम अपने नहीं, दोनों कंपेयर कर रहे हैं, उधर एग्जाम्पल्स उधर से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस ने एग्जाम्पल दिए हैं। और अगर सवाल पूछ रही है कांग्रेस तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल साथ में रखने पड़ेंगे, उसका जवाब भी मिलना चाहिए। मंशा को लेकर सवाल उठाया है, कह रहे खालिद चालका कि हमने बिल इसलिए फाड़ दिया क्योंकि हमें इनकी मंशा पर संशय है, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की इनकी कोशिश थी। नहीं रुक जाइए, खालिद चालका के पास जाऊंगी अभी, मैं आऊंगी मैं ना, ना, इस तरह से जो बिल फाड़ना है, जाना वाना मिलता नहीं, वो गलत था और स्पीकर ने इसीलिए संज्ञान लिया। चलिए ठीक है, खालिद चालका मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह का जो है जो आचरण है या आचरण व्याख्या नहीं है। ठीक है सर, अशोक जी मैं दोबारा आ जाऊंगा। खालिद चालका जी, खालिद जी, शाम 6:16 तक सदन की कार्यवाही चली, जो कुछ हुआ हंगामे के बाद कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया, सीएम ने भी कहा, और क्या कांग्रेस ने इस बात को समझी? अशोक जी रुक जाइए, क्या कांग्रेस ने इस बात को समझा कि अगर सदन के भीतर रहते वॉकआउट नहीं करते तो प्रदेश के हित में और सवाल पूछ सकते थे, सरकार को झकझोर कर पूछ सकते थे कि क्या कर रहे हैं आप लोग इस दिशा में, आप लोगों ने ये बाद में समझा? अनामिका, कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा में करीब 30 मुद्दे जो इस प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे कोरोना की बात हो, किसान से जुड़ी बात हो, शिक्षा की बात हो, हम करीब 30 मुद्दों पे बात करने वाले हैं। लेकिन आप शुरू में ही आप बजट सत्र में बात करते हैं किसी दूसरी चीज की और आप अलग चीज लाके पूरा ध्यान भटका देते हैं, और स्पीकर के माध्यम से आप विधायकों को, सदस्यों को, माननीय सदस्यों को निलंबन करवा देते हैं। तो ये जो चीज है ना आपकी, मतलब ये जवाबदेही से भागने वाली हमको लगती है। जहां तक अभी हमारे विजेंद्र जी कह रहे थे पेंशन का आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन विजेंद्र जी आपकी सहयोगी दल इस समय जो है उनके मुखिया ने कहा था कि जब सरकार में हम बैठेंगे तो पहली कलम से 5,000 रुपए पेंशन होगी। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं, जो आपके सहयोगी है विजेंद्र जी, उन्हीं के नेता ने यह कहा है कि सरकार ने जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया प्रदेश में। आपने सुना होगा अजय चौटाला जी ने क्या कहा था कि जो प्रदेश में होना चाहिए तो नहीं हुआ। तो ये सारी खामियां जो है उनके अंदर। और जहां तक आप बात कर रहे थे गुलिया साहब, आप हमने किसानों को क्या दिया आपको बता देता हूं, करीब 7-8 करोड़ों को जो आप जिस आप बात करते हैं ना, किसानों को हमने 7,000 रुपए दिए। इस देश का और प्रदेश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन भी है, उनके 40 कोटी नहीं मिली है। इस देश के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको आपने 2,000 रुपए तो दिए हैं, लेकिन 2,000 के बदले आपने 30,000 रुपए का लोड उस किसान के ऊपर बढ़ा दिया है। इस देश के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आपकी 2000 की मार झेल रहे हैं, जिनको मार में आपको खाद नहीं दे पाते हैं, जिनके ट्रैक्टर का आप जीएसटी बढ़ा देते हैं, जिनके आप खाद पे बीज पर खाद के रेट बढ़ा देते हैं, जिनके बीजों पर रेट बढ़ा देते हैं, कीटनाशक पर रेट बढ़ा देते हैं। तो आप 2000 के बदले में क्या वसूलना चाहते हैं? क्या इस देश के किसान का, इस प्रदेश के किसान का खून निकाल लेंगे क्या? ठीक है, क्या खून चोस लेंगे? जवाब लेने दीजिए। आपने 2000 रुपए दे दिए, जवाब लेने दीजिए प्लीज। खून चाहिए 2,000, 7,000 ज्यादा और 2-3 रुपए ज्यादा के समय में। चलका साहब, ये निर्णय तो आपको करना है। सुनिए तो सही, यदि 2 रुपए या 3 रुपए ज्यादा होते हैं कि 7,000 रुपए ज्यादा होते हैं। गुलिया जी सुनिए तो सही, गुलिया जी सुनिए तो सही, गुलिया गुलिया जी मेरे भाई सुनिए तो सही। मैं बिना आप तो नहीं बात कर रहे, कांग्रेस के शासन। अरे मेरे का ब्याज में 2 रुपए 3 रुपए चेक दिए, आप 7,000 रुपए का दिया है। नेहरा जी बोलिए, नेहरा जी बोलिए। और नेहरा जी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी खत्म कीजिएगा, मुझे जल्दी। अनामिका जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, महंगाई की जो मेरे मित्र बात कर रहे थे, इनके कांग्रेस के शासन काल के अंदर एक गाना बड़ा फेमस हुआ था,
सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई का एंग खाया जाते हैं। ये बड़ा फेमस हुआ था क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी उस समय। दूसरा इन्होंने मेरे मित्र को आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं, सुनिए ध्यान से लिख लीजिए। देखिए अनामिका जी, मैं इनको बताना चाहूंगा, डीएपी खाद की जो इन्होंने बात की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीएपी की जो कीमत है वो 2400 रुपए हो गई थी 1200 से। पहले 500 रुपए सब्सिडी हम लोग देते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1200 रुपए सब्सिडी कर दिया, 2400 वाले डीएपी की जो कॉस्ट हुई थी उसको फिर से हमने 1200 रुपए लाने का काम किया। तो हमारे समय में किसानों को जो उनका जो डीएपी है, यूरिया है, उन सबकी कीमत को हमने घटाने का काम किया, बढ़ाने का काम नहीं किया। दूसरा, एक नीति आयोग के जो ASDG इंडेक्स होता है उसके अंदर हरियाणा प्रदेश, अनामिका जी बहुत बड़ी खबर है, पूरे देश के अंदर अग्रणी प्रदेशों में हरियाणा प्रदेश का नंबर आता है। हरियाणा प्रदेश की अनामिका जी जो लाल डोरा मुक्त जो योजना चलाई थी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, माननीय मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर स्वामित्व योजना के नाम से उसको चलाया है। हरियाणा की 1 दर्जन से ज्यादा योजना, मेरा पानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर भी केंद्र का अध्ययन चल रहा है। इसके साथ साथ लाभार्थियों के खाते में अनामिका जी के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट के अंदर जो पेंशन, जो लाभार्थियों को पेंशन देने का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए उससे बचा है, और आप भी अपने अपनी मंशा को स्पष्ट कीजिए विपक्ष के आगे भी कि आप किन मंशा के तहत क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे उनका साथ लिया जा सकता है। दोनों तरफ से आगे बढ़ना होगा, ताली दोनों हाथ से बजती है। कोशिश अगर एक तरफ से नाकाम हो रही है तो अगले को देखना चाहिए कि उधर कैसे उसको सार्थक किया जाए। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है बजट से बहुत कुछ अभी भी प्रदेश को। बहुत धन्यवाद आप सबों का पैनल का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।